के रिजल्ट का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। फाइनली गाइस, रेलवे लगातार अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए रिजल्ट जारी कर रहा है। अभी अभी आरआरबी अजमेर के द्वारा रिजल्ट फाइनली डिसाइड कर दिया गया। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी अजमेर की क्या कट ऑफ गई, साथ में रोल नंबर के साथ पूरा डिटेल्स में रिजल्ट जारी कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी का रिजल्ट है, क्या आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ वो भी आप बताइएगा। तो फाइनली गाइस, सब बिना स्किप के वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहेगा। इससे आपको पता है कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देता हूं। इसलिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपसे कहीं छूट ना जाए। तो गाइस, फुल रिजल्ट्स का डिटेल्स में देखने के लिए आपको स्टडी विथ मई टेलीग्राम चैनल पर आना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर स्टडी विथ मई सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल फुल डिटेल्स में आपका जो रिजल्ट है वो शेयर कर दिया, इसे मैं अब ओपन कर लेता हूँ। हम यहाँ पर यदि बात करते हैं, आप देखेंगे रेलवे भर्ती उत्तर पश्चिम रेलवे, नॉर्थन सेंट्रल रेलवे, नॉर्थन रेलवे, यहाँ पर देखेंगे अधिकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 01-2019। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो बोला गया केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 01-2019 के तहत लेवल वन का मतलब हो रहा है ग्रुप डी के पदों पर भर्ती है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के प्रदर्शित आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन से अभ्यर्थियों के जांच सूचीबद्ध किए गए PWD CCA के कोटे के अभ्यर्थी रोल नंबर एवं दिनांक 16 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 को आयोजित शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों को गैर दिव्यांग अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन सहित जांच सूचीबद्ध किए गए रोल नंबर को अवरोही क्रम में मेघा क्रम में नियमानुसार जारी कर दिया गया। तो यहाँ पर आपके जो PWD CCA और नॉन PWD के कैंडिडेट थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, उनका सभी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। यदि हम देखेंगे दस्तावेज सत्यापन से अभ्यर्थियों की जांच 12 फरवरी से 27 फरवरी तक जयपुर में आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें, जिसके बुलावा पत्र शीघ्र रेलवे की कक्ष जयपुर की वेबसाइट पर जो है यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। दिनांक 12 फरवरी से 19 फरवरी तक एवं दिनांक 20 फरवरी से 27 फरवरी तक पर्याप्त वैध कारण से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कमसा दिनांक 28 फरवरी और 1 फरवरी को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। गाइस, यहां पर बहुत ही बड़ी रेलवे ने यहां पर आपको आरआरबी अजमेर ने अपडेट दी है। यदि आपको अपने दिए गए समय पर यदि आप अपना डीबी के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आपके लिए दो रिजर्व डे भी रखे गए, 28 फरवरी और 1 मार्च को आपका डीबी का रिजल्ट करवा लिया जाएगा। यदि किसी कारण से कोई कैंडिडेट अपने नियत समय पर नहीं पहुंच पाता है तो मुझे सलाह दी जाती है कि वे रेलवे भर्ती के कक्ष जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से निर्धारित चिकित्सा जांच परीक्षण उसी दिन अथवा अगले दिन जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर के उम्मीदवारों के व्यवस्था की तैयारी के। तो गाइस, यहां पर बहुत बड़ी अपडेट है कि आपका जो मेडिकल एग्जाम होने वाले तो आपका जैसे ही चिकित्सा के आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके अगले दिन या फिर उसी दिन आपको जो है तो डॉक्यूमेंट आपका मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपको जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर के लिए भेजा जाएगा। उम्मीदवार को रुकने की व्यवस्था की मतलब यहाँ पर आपको अपने रुकने की व्यवस्था की पूरी तैयारी करके आना होगा। उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन है तो अपने मूल दस्तावेज के दो प्रति संबंधित दस्तावेज यहां पर केवल इंपॉर्टेंट चेंज वही दिए गए जो बाकी आरआरबी में दिया जाना था। तो फाइनली गाइस, यदि आप इस नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दिया हूं, आपने देख ही लिया है। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्टडी विथ मई आप सर्च करके टेलीग्राम पर जाकर इस नोटिस को देख सकते हैं और साथ में कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए क्या आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर आप PWD कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है वो हमारे ज्यादातर व्यूअर थे उनका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। गाइस, यहां पर रेलवे ने आपके लिए जो दस्तावेज सत्यापन के लिए जो कट ऑफ है वो जारी नहीं किया है, यहां पर केवल उन्होंने रोल नंबर जारी किया। हम रोल नंबर की बात करेंगे तो यहां पर देखो कि नॉर्मल सी चीजें दी गई हैं और ये जो आपकी अपडेट है वो 4 फरवरी को जारी की गई है। तो यहाँ पर देखो कि रोल नंबर दिए गए हैं, आपके जो कैंडिडेट सफल हुए हैं केवल उन्हीं के रोल नंबर दिए हैं, जो छात्र यहाँ पर फेल हो गए उनके रोल नंबर नहीं दिए गए। काफ़ी लंबा नोटिस है, नोटिस के लास्ट में देखते हैं तो आप यहाँ पर देख पाओगे टोटल जो है 5109 कैंडिडेटों को जो है यहाँ पर सिलेक्शन किया गया था। फाइनली गाइस, सबके लिए यही अपडेट थी जो आप PWD के कैंडिडेट लगातार कमेंट कर रहे थे अजमेर जो से हमारा रिजल्ट कब आ गया। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में मेडिकल के लिए वो पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 12 फरवरी से आयोजित किया जाए
जाने वाला है। तो फाइनली गाइस यदि आप इस लिस्ट में अपना पूरा देख सकते हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिनका सिलेक्शन उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो फाइनली गाइस आप भी इस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम पर स्टडी विद मैं सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली गाइस आपके लिए जो अपडेट थी मैंने प्रोवाइड करा दी, यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ स्टडी विद मैथ पर।